स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। आज हम जानेंगे कैनरा बैंक की नेट बैंकिंग में आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो है वो कैसे चेंज कर सकते हैं या फिर नए से क्रिएट कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि नेट बैंकिंग का हमें आईडी पासवर्ड याद नहीं रहता या फिर हम न्यू यूजर बनाते हैं तो हमें वो ट्रांजेक्शन पासवर्ड कैसे मिलेगा, चलिए हम जानते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ मेरे लैपटॉप में और यहाँ पर हम वेबसाइट ओपन करेंगे, कैनरा बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट जो है नेट बैंकिंग का, उसे हम यहाँ पर ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। किस तरह से अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं यहाँ पे, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में मेन्यू करके एक ऑप्शन आ रहा है, ऊपर देख रहे हैं आप मेन्यू, इस मेन्यू पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको ऐसा एक पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ आइए, स्क्रॉल करिए और यहाँ पे देखिए प्रोफाइल एंड यूज़र सेटिंग लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए यूज़र सेटिंग माई प्रोफाइल, ये दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, आपको नीचे वाले यूजर सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे देखिए चेंज ट्रांजैक्शन पासवर्ड करके लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो पहला जो करंट ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब आपके पास तो याद नहीं है आपको कि कौन सा वाला मेरा ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्या था, ठीक है, आपको तो याद रहेगा नहीं, इसलिए आपको अपने ट्रांजेक्शन पासवर्ड जो है वो फिर से नया क्रिएट करना पड़ेगा आपको। तो अभी हम चलेंगे वो कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे आपको फिर से वही ऑप्शन पे जाना है नीचे और यहाँ पे देखिए जनरेट न्यू ट्रांजेक्शन पासवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यूजिंग डेबिट कार्ड और आधार कार्ड, ये वाला ऑप्शन आएगा, आपको डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना एटीएम पिन नंबर आपको डालना पड़ेगा 4 डिजिट वाला और यहाँ पे कार्ड का जो एक्सपायरी है वो भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, आपका एटीएम कार्ड का डिटेल और कार्ड नंबर पे क्लिक करके सबमिट करिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा, फिर ओटीपी डालने के बाद आप सबमिट करिए, करने के बाद यहाँ पे देखिए न्यू ट्रांजेक्शन पासवर्ड और री एंटर ट्रांजेक्शन पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपको 8 डिजिट से लेके 12 डिजिट तक आपको डालना पड़ेगा, अपर केस लोअर केस नंबर्स और यहाँ पे आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर भी डालना पड़ेगा, ठीक है। डालने के बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दीजिए और जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन पिन सेट सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो अभी ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपका चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे इस चैनल को। अगर किस तरह से हम कैनरा बैंक का जो उसका आईडी पासवर्ड है किस तरह से हम क्रिएट करते हैं ये अगर नहीं पता है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, ये वाला वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन जय हिंद। Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.